गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैफ मूवी के बारे में। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस, मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस, मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस, मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस, किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है। और गाइस, इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस, मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राजा कृष्णा मेनन। और गाइस, इस मूवी को लिखा गया है रितेश शाह के द्वारा और सुरेश नैयर के द्वारा और राजा कृष्णा मेनन के द्वारा। और गाइस, इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन फेवरू के द्वारा। और गाइस, ये मूवी बेस्ड है सैफ पर और दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस, इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा और जनानी रविचंद्रन और राजा कृष्णा मेनन। और गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस, इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान। और गाइस, इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई प्रिया सेठ के द्वारा। और गाइस, इस मूवी को एडिट किया गया है शिवकुमार वी पनीकर के द्वारा। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस, इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रघु दीक्षित के द्वारा और अमाल मलिक के द्वारा। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस, इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और अबू दंतिया एंटरटेनमेंट और बांद्रा वेस्ट पिक्चर्स। और गाइस, इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस, ये मूवी रिलीज की गई थी 6 अक्टूबर 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 133 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस, मूवी का टोटल बजट है वो 14.7 करोड़ का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस, बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो गाइस, बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 10.6 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस, इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस, इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुगल लगा ले। और गाइस, जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तेरे मेरे। जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बंजारा। और गाइस, जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है टन टन। और गाइस, जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है खोया खोया। और गाइस, जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है दरमिया। और गाइस, जो इस मूवी के अंदर सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइस, इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 7 सॉन्ग्स हैं और सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं मूवी के। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें, क्योंकि इस एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग जरूर सुने। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस, इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही रेटिंग है, मीडियम से ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस, वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस, ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई थी उसका पता नहीं, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है मूवी की। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। और गाइस, आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइस, आपको खाने के बारे में और मतलब काफ़ी जानकारी मिलेगी इस मूवी से। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस, आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस, चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैफ मूवी के बारे में। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस, मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस, मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस, मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस, किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है। और गाइस, इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस, मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राजा कृष्णा मेनन। और गाइस, इस मूवी को लिखा गया है रितेश शाह के द्वारा और सुरेश नैयर के द्वारा और राजा कृष्णा मेनन के द्वारा। और गाइस, इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन फेवरू के द्वारा। और गाइस, ये मूवी बेस्ड है सैफ पर और दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस, इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा और जनानी रविचंद्रन और राजा कृष्णा मेनन। और गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस, इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान। और गाइस, इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई प्रिया सेठ के द्वारा। और गाइस, इस मूवी को एडिट किया गया है शिवकुमार वी पनीकर के द्वारा। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस, इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रघु दीक्षित के द्वारा और अमाल मलिक के द्वारा। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस, इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और अबू दंतिया एंटरटेनमेंट
और बांद्रा वेस्ट पिक्चर्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 6 अक्टूबर सन 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 133 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो 14.7 करोड़ का और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 10.6 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुगल लगा ले और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तेरे मेरे। उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बंजारा और गाइज जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है टन टन और गाइज जो उस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है खोया खोया और गाइज जो उस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है दरमिया और गाइज जो उस मूवी के अंदर सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 7 सॉन्ग्स हैं और सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं मूवी के। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें क्योंकि इस एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग जरूर सुने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग जो कि गाइज मतलब काफ़ी सही रेटिंग है, मीडियम से ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई थी उसका पता नहीं बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइज आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के और गाइज आपको खाने के बारे में और मतलब काफ़ी जानकारी मिलेगी इस मूवी से। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 100 व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैफ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राजा कृष्णा मेनन और गाइस इस मूवी को लिखा गया है रितेश साहा के द्वारा और सुरेश नैयर के द्वारा और राजा कृष्णा मेनन के द्वारा और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन फेवरू के द्वारा और गाइस ये मूवी बेस्ड है सैफ पर और दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा और जनानी रविचंद्रन और राजा कृष्णा मेनन और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई प्रिया सेठ के द्वारा और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है शिवकुमार वी पनीकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रघु दीक्षित के द्वारा और अमाल मलिक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और अबू दंतिया एंटरटेनमेंट और बांद्रा वेस्ट पिक्चर्स और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 6 अक्टूबर सन 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 133 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो 14.7 करोड़ का और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 10.6 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुगल लगा ले और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तेरे मेरे। उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बंजारा और गाइज जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है टन टन और गाइज जो उस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है खोया खोया और गाइज जो उस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है दरमिया और गाइज जो उस मूवी के अंदर सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 7 सॉन्ग्स हैं और सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं मूवी के। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें क्योंकि इस एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग जरूर सुने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग जो कि गाइज मतलब काफ़ी सही रेटिंग है, मीडियम से ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है
और मतलब काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई थी उसका पता नहीं, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को, वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइस आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइस आपको खाने के बारे में और मतलब काफ़ी जानकारी मिलेगी इस मूवी से। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पर यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनें और सॉन्ग्स का आनंद लें, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैफ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है। और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राजा कृष्णा मेनन। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है रितेश शाह के द्वारा और सुरेश नैयर के द्वारा और राजा कृष्णा मेनन के द्वारा। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन फेवरू के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है सैफ पर और दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा और जनानी रविचंद्रन और राजा कृष्णा मेनन। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान। और गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई प्रिया सेठ के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सुकुमार वी पनीकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रघु दीक्षित के द्वारा और अमाल मलिक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं टी सीरीज और अबू दंतिया एंटरटेनमेंट और बांद्रा वेस्ट पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 6 अक्टूबर 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 133 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 14.7 करोड़ का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 10.6 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुगल लगा ले। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तेरे मेरे। इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बंजारा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है टन टन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है खोया खोया। और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है दरमिया। और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 7 सॉन्ग्स हैं और सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं मूवी के। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें क्योंकि इस एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग जरूर सुने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही रेटिंग है, मीडियम से ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई थी उसका पता नहीं, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को, वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइस आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइस आपको खाने के बारे में और मतलब काफ़ी जानकारी मिलेगी इस मूवी से। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनें और सॉन्ग्स का आनंद लें, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैफ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है। और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राजा कृष्णा मेनन। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है रितेश शाह के द्वारा और सुरेश नैयर के द्वारा और राजा कृष्णा मेनन के द्वारा। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन फेवरू के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है सैफ पर और दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा
और जनानी रविचंद्रन और राधा कृष्ण मेनन। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान। और गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई प्रिया सेठ के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है शिव कुमार भी पनीकर के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रघु दीक्षित के द्वारा और अमाल मलिक के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वह टी सीरीज और अबूदंतिया एंटरटेनमेंट और बांद्रा वेस्ट पिक्चर्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 6 अक्टूबर 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 133 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो 14.7 करोड़ का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 10.6 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुगल लगा ले। और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तेरे मेरे। इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बंजारा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है टन टन। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है खोया खोया। और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है दरमिया। और गाइज जो इस मूवी के अंदर सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 7 सॉन्ग्स हैं और सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं मूवी के। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें क्योंकि एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग जरूर सुने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी सही रेटिंग है, मीडियम से ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई थी उसका पता नहीं, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइज आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइज आपको खाने के बारे में और मतलब काफ़ी जानकारी मिलेगी इस मूवी से। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल 100 व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैफ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है। और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राजा कृष्णा मेनन। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है रितेश साहा के द्वारा और सुरेश नैयर के द्वारा और राजा कृष्णा मेनन के द्वारा। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन फेवरू के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है सैफ पर और दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा और जनानी रविचंद्रन और राजा कृष्णा मेनन। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान। और गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई प्रिया सेठ के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है शिव कुमार भी पनीकर के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रघु दीक्षित के द्वारा और अमाल मलिक के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वह है टी सीरीज और अबूदंतिया एंटरटेनमेंट और बांद्रा वेस्ट पिक्चर्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 6 अक्टूबर 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 133 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो 14.7 करोड़ का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 10.6 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुगल लगा ले। और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तेरे मेरे। जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बंजारा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है टन टन। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है खोया खोया। और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है दरमिया।
और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर सात सॉन्ग्स हैं और सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं मूवी के, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें, क्योंकि गाइस एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग जरूर सुने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही रेटिंग है, मीडियम से ऊपर है, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई थी उसका पता नहीं, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइस आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, और गाइस आपको खाने के बारे में और मतलब काफ़ी जानकारी मिलेगी इस मूवी से। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल 100 व्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैफ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राजा कृष्णा मेनन, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है रितेश साहा के द्वारा और सुरेश नैयर के द्वारा और राजा कृष्णा मेनन के द्वारा, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन फेवरू के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस्ड है सैफ पर और दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा और जनानी रविचंद्रन और राजा कृष्णा मेनन, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान, और गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई प्रिया सेठ के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है शिवकुमार वी पनीकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रघु दीक्षित के द्वारा और अमाल मलिक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और अबूदंतिया एंटरटेनमेंट और बांद्रा वेस्ट पिक्चर्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 6 अक्टूबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 133 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 14.7 करोड़ का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 10.6 करोड़ की, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुगल लगा ले, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तेरे मेरे, जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बंजारा, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है टन टन, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है खोया खोया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है दरमिया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 7 सॉन्ग्स हैं और सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं मूवी के, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें, क्योंकि गाइस एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग जरूर सुने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही रेटिंग है, मीडियम से ऊपर है, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई थी उसका पता नहीं, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइस आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, और गाइस आपको खाने के बारे में और मतलब काफ़ी जानकारी मिलेगी इस मूवी से। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल 100 व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैफ मूवी के बारे में।
तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है। और गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राजा कृष्णा मेनन। और गाइज इस मूवी को लिखा गया है रितेश साहा के द्वारा और सुरेश नैयर के द्वारा और राजा कृष्णा मेनन के द्वारा। और गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन फेवरू के द्वारा। और गाइज ये मूवी बेस्ड है सैफ पर और दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा और जनानी रविचंद्रन और राजा कृष्णा मेनन। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान। और गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई प्रिया सेठ के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है शिवकुमार वी पनीकर के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रघु दीक्षित के द्वारा और अमाल मलिक के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और अबूदंतिया एंटरटेनमेंट और बांद्रा वेस्ट पिक्चर्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 6 अक्टूबर 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 133 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो 14.7 करोड़ का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 10.6 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुगल लगा ले। और गाइज इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तेरे मेरे। इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बंजारा। और गाइज इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है टन टन। और गाइज इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है खोया खोया। और गाइज इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है दरमिया। और गाइज इस मूवी के अंदर सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 7 सॉन्ग्स हैं और सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं मूवी के। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें क्योंकि इस एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग जरूर सुने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी सही रेटिंग है, मीडियम से ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई थी उसका पता नहीं, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइज आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइज आपको खाने के बारे में और मतलब काफ़ी जानकारी मिलेगी इस मूवी से। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 100 व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैफ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है। और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राजा कृष्णा मेनन। और गाइज इस मूवी को लिखा गया है रितेश साहा के द्वारा और सुरेश नैयर के द्वारा और राजा कृष्णा मेनन के द्वारा। और गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन फेवरू के द्वारा। और गाइज ये मूवी बेस्ड है सैफ पर और दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा और जनानी रविचंद्रन और राजा कृष्णा मेनन। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान। और गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई प्रिया सेठ के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है शिवकुमार वी पनीकर के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया रघु दीक्षित के द्वारा और अमाल मलिक के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और अबूदंतिया एंटरटेनमेंट
और बांद्रा वेस्ट पिक्चर्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 6 अक्टूबर 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 133 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो 14.7 करोड़ का और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो 10.6 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुगल लगा ले और गाइज उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तेरे मेरे। उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बंजारा और गाइज उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है टन टन और गाइज उस मूवी के अंदर पाँचवा सॉन्ग है वो है खोया खोया और गाइज उस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है दरमिया और गाइज उस मूवी के अंदर सातवा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 7 सॉन्ग्स हैं और सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं मूवी के। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें क्योंकि इस एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग जरूर सुने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग जो कि गाइज मतलब काफ़ी सही रेटिंग है, मीडियम से ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई थी उसका पता नहीं बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को, वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइज आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देखते और गाइज आपको खाने के बारे में और मतलब काफ़ी जानकारी मिलेगी इस मूवी से। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं मूवी के, एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 100 व्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैफ मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राजा कृष्णा मेनन और गाइज इस मूवी को लिखा गया है रितेश साह के द्वारा और सुरेश नैयर के द्वारा और राजा कृष्णा मेनन के द्वारा और गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन फेवरू के द्वारा और गाइज ये मूवी बेस्ड है सैफ पर और दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा और जनानी रविचंद्रन और राजा कृष्णा मेनन और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई प्रिया सेठ के द्वारा और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है शिवकुमार वी पनीकर के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रघु दीक्षित के द्वारा और अमाल मलिक के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वह टी सीरीज और अबूदंतिया एंटरटेनमेंट और बांद्रा वेस्ट पिक्चर्स और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 6 अक्टूबर 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 133 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो 14.7 करोड़ का और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 10.6 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुगल लगा ले और गाइज उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तेरे मेरे। उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बंजारा और गाइज उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है टन टन और गाइज उस मूवी के अंदर पाँचवा सॉन्ग है वो है खोया खोया और गाइज उस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है दरमिया और गाइज उस मूवी के अंदर सातवा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 7 सॉन्ग्स हैं और सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं मूवी के। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें क्योंकि इस एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग जरूर सुने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग जो कि गाइज मतलब काफ़ी सही रेटिंग है, मीडियम से ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है
और मतलब काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई थी उसका पता नहीं, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को, वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइस आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइस आपको खाने के बारे में और मतलब काफ़ी जानकारी मिलेगी इस मूवी से। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पर यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनें और सॉन्ग्स का आनंद लें, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैफ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राजा कृष्णा मेनन, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है रितेश शाह के द्वारा और सुरेश नैयर के द्वारा और राजा कृष्णा मेनन के द्वारा। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन फेवरू के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस्ड है सैफ पर और दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा और जनानी रविचंद्रन और राजा कृष्णा मेनन। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान, और गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई प्रिया सेठ के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है शिवकुमार वी पनीकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रघु दीक्षित के द्वारा और अमाल मलिक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और अबू दंतिया एंटरटेनमेंट और बांद्रा वेस्ट पिक्चर्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 6 अक्टूबर 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 133 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 14.7 करोड़ का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 10.6 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुगल लगा ले, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तेरे मेरे, जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बंजारा, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है टन टन, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है खोया खोया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है दरमिया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 7 सॉन्ग्स हैं और सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं मूवी के। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें, क्योंकि इस एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग जरूर सुने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही रेटिंग है, मीडियम से ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई थी उसका पता नहीं, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को, वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइस आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइस आपको खाने के बारे में और मतलब काफ़ी जानकारी मिलेगी इस मूवी से। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनें और सॉन्ग्स का आनंद लें, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैफ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राजा कृष्णा मेनन, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है रितेश शाह के द्वारा और सुरेश नैयर के द्वारा और राजा कृष्णा मेनन के द्वारा। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन फेवरू के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस्ड है सैफ पर और दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा और जनानी रविचंद्रन और राजा कृष्णा मेनन।
और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान, और गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई प्रिया सेठ के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है सुकुमार वी पनीकर के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रघु दीक्षित के द्वारा और अमाल मलिक के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वह टी सीरीज और अबू दंतिया एंटरटेनमेंट और बांद्रा वेस्ट पिक्चर्स, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 6 अक्टूबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 133 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो 14.7 करोड़ का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 10.6 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुगल लगा ले, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तेरे मेरे, जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बंजारा, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है टन टन, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है खोया खोया, और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है दरमिया, और गाइज जो इस मूवी के अंदर सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 7 सॉन्ग्स हैं, और सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं मूवी के। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें, क्योंकि एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग जरूर सुने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी सही रेटिंग है, मीडियम से ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है, और मतलब काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई थी उसका पता नहीं, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को, वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और गाइज आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, और गाइज आपको खाने के बारे में और मतलब काफ़ी जानकारी मिलेगी इस मूवी से। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें, और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल 100 व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैफ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राजा कृष्णा मेनन, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है रितेश साहा के द्वारा, और सुरेश नैयर के द्वारा, और राजा कृष्णा मेनन के द्वारा, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन फेवरू के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस्ड है सैफ पर और दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा और जनानी रविचंद्रन और राजा कृष्णा मेनन। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान, और गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई प्रिया सेठ के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है सुकुमार वी पनीकर के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रघु दीक्षित के द्वारा और अमाल मलिक के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वह है टी सीरीज और अबू दंतिया एंटरटेनमेंट और बांद्रा वेस्ट पिक्चर्स, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 6 अक्टूबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 133 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो 14.7 करोड़ का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 10.6 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुगल लगा ले, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तेरे मेरे, जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बंजारा,
और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है टन टन, और गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है खोया खोया, और गाइस जो उस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है दरमिया, और गाइस जो उस मूवी के अंदर सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर सात सॉन्ग्स हैं और सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं मूवी के, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें, क्योंकि गाइस एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग जरूर सुने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही रेटिंग है, मीडियम से ऊपर है, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई थी उसका पता नहीं, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइस आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, और गाइस आपको खाने के बारे में और मतलब काफ़ी जानकारी मिलेगी इस मूवी से। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 100 व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैफ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राजा कृष्णा मेनन, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है रितेश साह के द्वारा और सुरेश नैयर के द्वारा और राजा कृष्णा मेनन के द्वारा, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन फेवरू के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस्ड है सैफ पर और दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा और जनानी रविचंद्रन और राजा कृष्णा मेनन, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान, और गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई प्रिया सेठ के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है शिवकुमार वी पनीकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रघु दीक्षित के द्वारा और अमाल मलिक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और अबूदंतिया एंटरटेनमेंट और बांद्रा वेस्ट पिक्चर्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 6 अक्टूबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 133 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 14.7 करोड़ का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 10.6 करोड़ की, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुगल लगा ले, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तेरे मेरे, इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बंजारा, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है टन टन, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है खोया खोया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है दरमिया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 7 सॉन्ग्स हैं और सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं मूवी के, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें, क्योंकि गाइस एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग जरूर सुने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही रेटिंग है, मीडियम से ऊपर है, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई थी उसका पता नहीं, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइस आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, और गाइस आपको खाने के बारे में और मतलब काफ़ी जानकारी मिलेगी इस मूवी से। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 100 व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैफ मूवी के बारे में।
तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है। और गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राजा कृष्णा मेनन। और गाइज इस मूवी को लिखा गया है रितेश साहा के द्वारा और सुरेश नैयर के द्वारा और राजा कृष्णा मेनन के द्वारा। और गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। और गाइज ये मूवी बेस्ड है सैफ पर और दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा और जनानी रविचंद्रन और राजा कृष्णा मेनन। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान। और गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई प्रिया सेठ के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है शिवकुमार वी पनीकर के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रघु दीक्षित के द्वारा और अमाल मलिक के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और अबू दंतिया एंटरटेनमेंट और बांद्रा वेस्ट पिक्चर्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 6 अक्टूबर 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 133 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो 14.7 करोड़ का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 10.6 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुगल लगा ले। और गाइज इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तेरे मेरे। जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बंजारा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है टन टन। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है खोया खोया। और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है दरमिया। और गाइज जो इस मूवी के अंदर सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 7 सॉन्ग्स हैं और सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं मूवी के। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें क्योंकि इस एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग जरूर सुने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी सही रेटिंग है, मीडियम से ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई थी उसका पता नहीं, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को, वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइज आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइज आपको खाने के बारे में और मतलब काफ़ी जानकारी मिलेगी इस मूवी से। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैफ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है। और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राजा कृष्णा मेनन। और गाइज इस मूवी को लिखा गया है रितेश साहा के द्वारा और सुरेश नैयर के द्वारा और राजा कृष्णा मेनन के द्वारा। और गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। और गाइज ये मूवी बेस्ड है सैफ पर और दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा और जनानी रविचंद्रन और राजा कृष्णा मेनन। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान। और गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई प्रिया सेठ के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है शिवकुमार वी पनीकर के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रघु दीक्षित के द्वारा और अमाल मलिक के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और अबू दंतिया एंटरटेनमेंट और बांद्रा वेस्ट पिक्चर्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 6 अक्टूबर 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 133 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 14.7 करोड़ का और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो 10.6 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुगल लगा ले और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तेरे मेरे। इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बंजारा और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है टन टन और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है खोया खोया और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है दरमिया और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 7 सॉन्ग्स हैं और सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं मूवी के। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें क्योंकि इस एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग जरूर सुने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही रेटिंग है, मीडियम से ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई थी उसका पता नहीं बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को, वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइस आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के और गाइस आपको खाने के बारे में और मतलब काफ़ी जानकारी मिलेगी इस मूवी से। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं मूवी के, एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 100 व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैफ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राजा कृष्णा मेनन और गाइस इस मूवी को लिखा गया है रितेश साह के द्वारा और सुरेश नैयर के द्वारा और राजा कृष्णा मेनन के द्वारा और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन फेवरू के द्वारा और गाइस ये मूवी बेस्ड है सैफ पर और दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा और जनानी रविचंद्रन और राजा कृष्णा मेनन और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई प्रिया सेठ के द्वारा और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सुकुमार वी पनीकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रघु दीक्षित के द्वारा और अमाल मलिक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वह टी सीरीज और अबूदंतिया एंटरटेनमेंट और बांद्रा वेस्ट पिक्चर्स और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 6 अक्टूबर 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 133 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 14.7 करोड़ का और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 10.6 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुगल लगा ले और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तेरे मेरे। इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बंजारा और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है टन टन और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है खोया खोया और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है दरमिया और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 7 सॉन्ग्स हैं और सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं मूवी के। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें क्योंकि इस एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग जरूर सुने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही रेटिंग है, मीडियम से ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई थी
उसका पता नहीं, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है मूवी की। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को, वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइज़ आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, और गाइज़ आपको खाने के बारे में और मतलब काफ़ी जानकारी मिलेगी इस मूवी से। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को, और गाइज़ आप इस मूवी के सॉन्ग सुनें और सॉन्ग्स का आनंद लें। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज़ चलिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 100 रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैफ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राजा कृष्णा मेनन, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है रितेश शाह के द्वारा और सुरेश नैयर के द्वारा और राजा कृष्णा मेनन के द्वारा, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन फेवरू के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस्ड है सैफ पर और दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा और जनानी रविचंद्रन और राजा कृष्णा मेनन। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान, और गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई प्रिया सेठ के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सुकुमार वी पनीकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रघु दीक्षित के द्वारा और अमाल मलिक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और अबू दंतिया एंटरटेनमेंट और बांद्रा वेस्ट पिक्चर्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 6 अक्टूबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 133 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 14.7 करोड़ का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 10.6 करोड़ की, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुगल लगा ले, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तेरे मेरे, जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बंजारा, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है टन टन, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है खोया खोया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है दरमिया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 7 सॉन्ग्स हैं, और सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं मूवी के। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें, क्योंकि इस एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग जरूर सुने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही रेटिंग है, मीडियम से ऊपर है, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई थी उसका पता नहीं, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को, वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और गाइस आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, और गाइस आपको खाने के बारे में और मतलब काफ़ी जानकारी मिलेगी इस मूवी से। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनें और सॉन्ग्स का आनंद लें। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 100 रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैफ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राजा कृष्णा मेनन, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है रितेश शाह के द्वारा और सुरेश नैयर के द्वारा और राजा कृष्णा मेनन के द्वारा, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन फेवरू के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस्ड है सैफ पर और दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा
और जनानी रविचंद्रन और राधा कृष्ण मेनन। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान। और गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई प्रिया सेठ के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है शिवकुमार वी पनीकर के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया रघु दीक्षित के द्वारा और अमाल मलिक के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और अबूदंतिया एंटरटेनमेंट और बांद्रा वेस्ट पिक्चर्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 6 अक्टूबर 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 133 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो 14.7 करोड़ का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 10.6 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुगल लगा ले। और गाइज इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तेरे मेरे। इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बंजारा। और गाइज इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है टन टन। और गाइज इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है खोया खोया। और गाइज इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है दरमिया। और गाइज इस मूवी के अंदर सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 7 सॉन्ग्स हैं और सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं मूवी के। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें क्योंकि इस एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग जरूर सुने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी सही रेटिंग है, मीडियम से ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई थी उसका पता नहीं, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को, वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइज आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइज आपको खाने के बारे में और मतलब काफ़ी जानकारी मिलेगी इस मूवी से। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल 100 व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैफ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है। और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राजा कृष्णा मेनन। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है रितेश साहा के द्वारा और सुरेश नैयर के द्वारा और राजा कृष्णा मेनन के द्वारा। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन फेवरू के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है सैफ पर और दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा और जनानी रविचंद्रन और राजा कृष्णा मेनन। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान। और गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई प्रिया सेठ के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है शिवकुमार वी पनीकर के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया रघु दीक्षित के द्वारा और अमाल मलिक के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और अबूदंतिया एंटरटेनमेंट और बांद्रा वेस्ट पिक्चर्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 6 अक्टूबर 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 133 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो 14.7 करोड़ का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 10.6 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुगल लगा ले। और गाइज इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तेरे मेरे। इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बंजारा। और गाइज इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है टन टन। और गाइज इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है खोया खोया। और गाइज इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है दरमिया। और गाइज इस मूवी के अंदर सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे मेरे का रिप्राइज वर्जन।
तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 7 सॉन्ग्स हैं और सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं मूवी के, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें, क्योंकि इस एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग जरूर सुने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी सही रेटिंग है, मीडियम से ऊपर है, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई थी उसका पता नहीं, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइज आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, और गाइज आपको खाने के बारे में और मतलब काफ़ी जानकारी मिलेगी इस मूवी से। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल 100 व्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैफ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राजा कृष्णा मेनन, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है रितेश साहा के द्वारा और सुरेश नैयर के द्वारा और राजा कृष्णा मेनन के द्वारा, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन फेवरू के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस्ड है सैफ पर और दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा और जनानी रविचंद्रन और राजा कृष्णा मेनन, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान, और गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई प्रिया सेठ के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सुकुमार वी पनीकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रघु दीक्षित के द्वारा और अमाल मलिक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और अबूदंतिया एंटरटेनमेंट और बांद्रा वेस्ट पिक्चर्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 6 अक्टूबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 133 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 14.7 करोड़ का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 10.6 करोड़ की, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुगल लगा ले, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तेरे मेरे, उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बंजारा, और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है टन टन, और गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है खोया खोया, और गाइस जो उस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है दरमिया, और गाइस जो उस मूवी के अंदर सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 7 सॉन्ग्स हैं और सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं मूवी के, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें, क्योंकि गाइस एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग जरूर सुने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही रेटिंग है, मीडियम से ऊपर है, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई थी उसका पता नहीं, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइस आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, और गाइस आपको खाने के बारे में और मतलब काफ़ी जानकारी मिलेगी इस मूवी से। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैफ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राजा कृष्णा मेनन, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है रितेश साहा के द्वारा और सुरेश नैयर के द्वारा और राजा कृष्णा मेनन के द्वारा। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन फेवरू के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस्ड है सैफ पर और दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा और जनानी रविचंद्रन और राजा कृष्णा मेनन। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान, और गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई प्रिया सेठ के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है शिवकुमार वी पनीकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रघु दीक्षित के द्वारा और अमाल मलिक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और अबू दंतिया एंटरटेनमेंट और बांद्रा वेस्ट पिक्चर्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 6 अक्टूबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 133 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 14.7 करोड़ का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 10.6 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुगल लगा ले, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तेरे मेरे, जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बंजारा, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है टन टन, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है खोया खोया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है दरमिया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 7 सॉन्ग्स हैं, और सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं मूवी के। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें, क्योंकि इस एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग जरूर सुने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही रेटिंग है, मीडियम से ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई थी उसका पता नहीं, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को, वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और गाइस आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, और गाइस आपको खाने के बारे में और मतलब काफ़ी जानकारी मिलेगी इस मूवी से। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैफ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राजा कृष्णा मेनन, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है रितेश साहा के द्वारा और सुरेश नैयर के द्वारा और राजा कृष्णा मेनन के द्वारा। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन फेवरू के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस्ड है सैफ पर और दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा और जनानी रविचंद्रन और राजा कृष्णा मेनन। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान, और गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई प्रिया सेठ के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है शिवकुमार वी पनीकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया रघु दीक्षित के द्वारा और अमाल मलिक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और अबू दंतिया एंटरटेनमेंट
और बांद्रा वेस्ट पिक्चर्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 6 अक्टूबर 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 133 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो 14.7 करोड़ का और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो 10.6 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुगल लगा ले और गाइज उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तेरे मेरे। उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बंजारा और गाइज उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है टन टन और गाइज उस मूवी के अंदर पाँचवा सॉन्ग है वो है खोया खोया और गाइज उस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है दरमिया और गाइज उस मूवी के अंदर सातवा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 7 सॉन्ग्स हैं और सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं मूवी के। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें क्योंकि इस एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग जरूर सुने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग जो कि गाइज मतलब काफ़ी सही रेटिंग है, मीडियम से ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई थी उसका पता नहीं बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को, 1 टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइज आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के और गाइज आपको खाने के बारे में और मतलब काफ़ी जानकारी मिलेगी इस मूवी से। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं मूवी के, एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल 100 व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैफ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राजा कृष्णा मेनन और गाइस इस मूवी को लिखा गया है रितेश साह के द्वारा और सुरेश नैयर के द्वारा और राजा कृष्णा मेनन के द्वारा और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन फेवरू के द्वारा और गाइस ये मूवी बेस्ड है सैफ पर और दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा और जनानी रविचंद्रन और राजा कृष्णा मेनन और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई प्रिया सेठ के द्वारा और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है शिवकुमार वी पनीकर के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रघु दीक्षित के द्वारा और अमाल मलिक के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वह टी सीरीज और अबूदंतिया एंटरटेनमेंट और बांद्रा वेस्ट पिक्चर्स और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 6 अक्टूबर 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 133 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो 14.7 करोड़ का और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 10.6 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुगल लगा ले और गाइज उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तेरे मेरे। उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बंजारा और गाइज उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है टन टन और गाइज उस मूवी के अंदर पाँचवा सॉन्ग है वो है खोया खोया और गाइज उस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है दरमिया और गाइज उस मूवी के अंदर सातवा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 7 सॉन्ग्स हैं और सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं मूवी के। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें क्योंकि इस एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग जरूर सुने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग जो कि गाइज मतलब काफ़ी सही रेटिंग है, मीडियम से ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है
और मतलब काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई थी उसका पता नहीं, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को, वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइस आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइस आपको खाने के बारे में और मतलब काफ़ी जानकारी मिलेगी इस मूवी से। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पर यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनें और सॉन्ग्स का आनंद लें, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 100 व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैफ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है। और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टार रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राजा कृष्णा मेनन। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है रितेश शाह के द्वारा और सुरेश नैयर के द्वारा और राजा कृष्णा मेनन के द्वारा। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है सैफ पर और दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा और जनानी रविचंद्रन और राजा कृष्णा मेनन। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान। और गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई प्रिया सेठ के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है शिवकुमार वी पनीकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रघु दीक्षित के द्वारा और अमाल मलिक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और अबूदंतिया एंटरटेनमेंट और बांद्रा वेस्ट पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 6 अक्टूबर 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 133 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 14.7 करोड़ का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 10.6 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुगल लगा ले। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तेरे मेरे। जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बंजारा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है टन टन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है खोया खोया। और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है दरमिया। और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 7 सॉन्ग्स हैं और सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं मूवी के। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें क्योंकि इस एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग जरूर सुने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही रेटिंग है, मीडियम से ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई थी उसका पता नहीं, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को, वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइस आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइस आपको खाने के बारे में और मतलब काफ़ी जानकारी मिलेगी इस मूवी से। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनें और सॉन्ग्स का आनंद लें, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 100 व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैफ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है। और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टार रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राजा कृष्णा मेनन। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है रितेश शाह के द्वारा और सुरेश नैयर के द्वारा और राजा कृष्णा मेनन के द्वारा। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन फेवरू के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है सैफ पर और दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा और जनानी रविचंद्रन और राजा कृष्णा मेनन।
और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान, और गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई प्रिया सेठ के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है शिवकुमार वी पनिगर के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रघु दीक्षित के द्वारा और अमाल मलिक के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और अबूदंतिया एंटरटेनमेंट और बांद्रा वेस्ट पिक्चर्स, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 6 अक्टूबर सन 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 133 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो 14.7 करोड़ का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 10.6 करोड़ की, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुगल लगा ले, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तेरे मेरे, जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बंजारा, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है टन टन, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है खोया खोया, और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है दरमिया, और गाइज जो इस मूवी के अंदर सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 7 सॉन्ग्स हैं और सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं मूवी के, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें, क्योंकि गाइज एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग जरूर सुने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी सही रेटिंग है, मीडियम से ऊपर है, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई थी उसका पता नहीं, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को, वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइज आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, और गाइज आपको खाने के बारे में और मतलब काफ़ी जानकारी मिलेगी इस मूवी से। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैफ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राजा कृष्णा मेनन, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है रितेश साहा के द्वारा और सुरेश नैयर के द्वारा और राजा कृष्णा मेनन के द्वारा, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन फेवरू के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस्ड है सैफ पर और दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा और जनानी रविचंद्रन और राजा कृष्णा मेनन, और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान, और गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई प्रिया सेठ के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है शिवकुमार वी पनिगर के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रघु दीक्षित के द्वारा और अमाल मलिक के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और अबूदंतिया एंटरटेनमेंट और बांद्रा वेस्ट पिक्चर्स, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 6 अक्टूबर सन 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 133 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो 14.7 करोड़ का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 10.6 करोड़ की, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुगल लगा ले, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तेरे मेरे, जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बंजारा, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है टन टन, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है खोया खोया, और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है दरमिया,
और गाइज उस मूवी के अंदर सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर सात सॉन्ग्स हैं और सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं मूवी के, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें, क्योंकि इस एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग जरूर सुने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी सही रेटिंग है, मीडियम से ऊपर है, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई थी उसका पता नहीं, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइज आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, और गाइज आपको खाने के बारे में और मतलब काफ़ी जानकारी मिलेगी इस मूवी से। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 100 रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैफ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राजा कृष्णा मेनन, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है रितेश शाह के द्वारा और सुरेश नैयर के द्वारा और राजा कृष्णा मेनन के द्वारा, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस्ड है सैफ पर और दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा और जनानी रविचंद्रन और राजा कृष्णा मेनन, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान, और गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई प्रिया सेठ के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है शिवकुमार वी पनीकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रघु दीक्षित के द्वारा और अमाल मलिक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और अबू दंतिया एंटरटेनमेंट और बांद्रा वेस्ट पिक्चर्स, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 6 अक्टूबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 133 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो 14.7 करोड़ का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 10.6 करोड़ की, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुगल लगा ले, और गाइज इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तेरे मेरे, इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बंजारा, और गाइज इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है टन टन, और गाइज इस मूवी के अंदर 5वां सॉन्ग है वो है खोया खोया, और गाइज इस मूवी के अंदर 6ठा सॉन्ग है वो है दरमिया, और गाइज इस मूवी के अंदर 7वां और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 7 सॉन्ग्स हैं और सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं मूवी के, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें, क्योंकि इस एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग जरूर सुने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी सही रेटिंग है, मीडियम से ऊपर है, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई थी उसका पता नहीं, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइज आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, और गाइज आपको खाने के बारे में और मतलब काफ़ी जानकारी मिलेगी इस मूवी से। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं मूवी के, एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 100 रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैफ मूवी के बारे में।
तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है। और गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राजा कृष्णा मेनन। और गाइज इस मूवी को लिखा गया है रितेश साहा के द्वारा और सुरेश नैयर के द्वारा और राजा कृष्णा मेनन के द्वारा। और गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन फेवरू के द्वारा। और गाइज ये मूवी बेस्ड है सैफ पर और दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा और जनानी रविचंद्रन और राजा कृष्णा मेनन। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान। और गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई प्रिया सेठ के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है शिव कुमार भी पनीकर के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रघु दीक्षित के द्वारा और अमाल मलिक के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वह टी सीरीज और अबूदंतिया एंटरटेनमेंट और बांद्रा वेस्ट पिक्चर्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 6 अक्टूबर 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 133 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो 14.7 करोड़ का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 10.6 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुगल लगा ले। और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तेरे मेरे। इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बंजारा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है टन टन। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है खोया खोया। और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है दरमिया। और गाइज जो इस मूवी के अंदर सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 7 सॉन्ग्स हैं और सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं मूवी के। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें क्योंकि एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग जरूर सुने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी सही रेटिंग है, मीडियम से ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई थी उसका पता नहीं, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइज आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइज आपको खाने के बारे में और मतलब काफ़ी जानकारी मिलेगी इस मूवी से। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 100 व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैफ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है। और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राजा कृष्णा मेनन। और गाइज इस मूवी को लिखा गया है रितेश साहा के द्वारा और सुरेश नैयर के द्वारा और राजा कृष्णा मेनन के द्वारा। और गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन फेवरू के द्वारा। और गाइज ये मूवी बेस्ड है सैफ पर और दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा और जनानी रविचंद्रन और राजा कृष्णा मेनन। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान। और गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई प्रिया सेठ के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है शिव कुमार भी पनीकर के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रघु दीक्षित के द्वारा और अमाल मलिक के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वह टी सीरीज और अबूदंतिया एंटरटेनमेंट
और बांद्रा वेस्ट पिक्चर्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 6 अक्टूबर सन 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 133 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो 14.7 करोड़ का और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 10.6 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुगल लगा ले और गाइज इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तेरे मेरे, इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बंजारा और गाइज इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है टन टन और गाइज इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है खोया खोया और गाइज इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है दरमिया और गाइज इस मूवी के अंदर सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 7 सॉन्ग्स हैं और सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं मूवी के। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें क्योंकि इस एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग जरूर सुने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी सही रेटिंग है, मीडियम से ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई थी उसका पता नहीं, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइज आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के और गाइज आपको खाने के बारे में और मतलब काफ़ी जानकारी मिलेगी इस मूवी से। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल 100 व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैफ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राजा कृष्णा मेनन और गाइस इस मूवी को लिखा गया है रितेश साहा के द्वारा और सुरेश नैयर के द्वारा और राजा कृष्णा मेनन के द्वारा और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन फेवरू के द्वारा और गाइस ये मूवी बेस्ड है सैफ पर और दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा और जनानी रविचंद्रन और राजा कृष्णा मेनन और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई प्रिया सेठ के द्वारा और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है शिवकुमार वी पनीकर के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रघु दीक्षित के द्वारा और अमाल मलिक के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और अबूदंतिया एंटरटेनमेंट और बांद्रा वेस्ट पिक्चर्स और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 6 अक्टूबर सन 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 133 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो 14.7 करोड़ का और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 10.6 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुगल लगा ले और गाइज इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तेरे मेरे, इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बंजारा और गाइज इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है टन टन और गाइज इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है खोया खोया और गाइज इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है दरमिया और गाइज इस मूवी के अंदर सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 7 सॉन्ग्स हैं और सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं मूवी के। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें क्योंकि इस एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग जरूर सुने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी सही रेटिंग है, मीडियम से ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है
और मतलब काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई थी उसका पता नहीं, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को, वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइस आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइस आपको खाने के बारे में और मतलब काफ़ी जानकारी मिलेगी इस मूवी से। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनें और सॉन्ग्स का आनंद लें, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 100 व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैफ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है। और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टार रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राजा कृष्णा मेनन। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है रितेश शाह के द्वारा और सुरेश नैयर के द्वारा और राजा कृष्णा मेनन के द्वारा। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन फेवरू के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है सैफ पर और दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा और जनानी रविचंद्रन और राजा कृष्णा मेनन। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान। और गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई प्रिया सेठ के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है शिवकुमार वी पनीकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रघु दीक्षित के द्वारा और अमाल मलिक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और अबूदंतिया एंटरटेनमेंट और बांद्रा वेस्ट पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 6 अक्टूबर 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 133 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 14.7 करोड़ का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 10.6 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुगल लगा ले। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तेरे मेरे। जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बंजारा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है टन टन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है खोया खोया। और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है दरमिया। और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 7 सॉन्ग्स हैं और सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं मूवी के। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें क्योंकि इस एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग जरूर सुने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही रेटिंग है, मीडियम से ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई थी उसका पता नहीं, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को, वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइस आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइस आपको खाने के बारे में और मतलब काफ़ी जानकारी मिलेगी इस मूवी से। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनें और सॉन्ग्स का आनंद लें, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 100 व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैफ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है। और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टार रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राजा कृष्णा मेनन। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है रितेश शाह के द्वारा और सुरेश नैयर के द्वारा और राजा कृष्णा मेनन के द्वारा। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन फेवरू के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है सैफ पर और दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा और जनानी रविचंद्रन और राजा कृष्णा मेनन।
और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान, और गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई प्रिया सेठ के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है शिव कुमार भी पनीकर के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रघु दीक्षित के द्वारा और अमाल मलिक के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और अबूदंतिया एंटरटेनमेंट और बांद्रा वेस्ट पिक्चर्स, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 6 अक्टूबर 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 133 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो 14.7 करोड़ का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 10.6 करोड़ की, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुगल लगा ले, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तेरे मेरे, उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बंजारा, और गाइज जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है टन टन, और गाइज जो उस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है खोया खोया, और गाइज जो उस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है दरमिया, और गाइज जो उस मूवी के अंदर सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 7 सॉन्ग्स हैं और सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं मूवी के, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें, क्योंकि गाइज एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग जरूर सुने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी सही रेटिंग है, मीडियम से ऊपर है, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई थी उसका पता नहीं, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइज आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, और गाइज आपको खाने के बारे में और मतलब काफ़ी जानकारी मिलेगी इस मूवी से। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल 100 व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैफ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राजा कृष्णा मेनन, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है रितेश साहा के द्वारा और सुरेश नैयर के द्वारा और राजा कृष्णा मेनन के द्वारा, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन फेवरू के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस्ड है सैफ पर और दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा और जनानी रविचंद्रन और राजा कृष्णा मेनन, और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान, और गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई प्रिया सेठ के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है शिव कुमार भी पनीकर के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रघु दीक्षित के द्वारा और अमाल मलिक के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और अबूदंतिया एंटरटेनमेंट और बांद्रा वेस्ट पिक्चर्स, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 6 अक्टूबर 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 133 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो 14.7 करोड़ का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 10.6 करोड़ की, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुगल लगा ले, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तेरे मेरे, उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बंजारा, और गाइज जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है टन टन, और गाइज जो उस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है
वो है खोया खोया, और गाइस जो सॉन्ग के अंदर छठा सॉन्ग है वो है दरमिया, और गाइस जो सॉन्ग के अंदर सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 7 सॉन्ग्स हैं और सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं मूवी के, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें, क्योंकि इस एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग जरूर सुने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही रेटिंग है, मीडियम से ऊपर है, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई थी उसका पता नहीं, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइस आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, और गाइस आपको खाने के बारे में और मतलब काफ़ी जानकारी मिलेगी इस मूवी से। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 100 व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैफ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राजा कृष्णा मेनन, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है रितेश शाह के द्वारा और सुरेश नैयर के द्वारा और राजा कृष्णा मेनन के द्वारा, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन फेवरू के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस्ड है सैफ पर और दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा और जनानी रविचंद्रन और राजा कृष्णा मेनन, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान, और गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई प्रिया सेठ के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है शिवकुमार वी पनीकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रघु दीक्षित के द्वारा और अमाल मलिक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और अबू दंतिया एंटरटेनमेंट और बांद्रा वेस्ट पिक्चर्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 6 अक्टूबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 133 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 14.7 करोड़ का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 10.6 करोड़ की, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुगल लगा ले, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तेरे मेरे, इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बंजारा, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है टन टन, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है खोया खोया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है दरमिया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 7 सॉन्ग्स हैं और सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं मूवी के, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें, क्योंकि इस एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग जरूर सुने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही रेटिंग है, मीडियम से ऊपर है, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई थी उसका पता नहीं, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइस आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, और गाइस आपको खाने के बारे में और मतलब काफ़ी जानकारी मिलेगी इस मूवी से। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं मूवी के, एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैफ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है। और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राजा कृष्णा मेनन। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है रितेश साह के द्वारा और सुरेश नैयर के द्वारा और राजा कृष्णा मेनन के द्वारा। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन फेवरू के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है सैफ पर और दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा और जनानी रविचंद्रन और राजा कृष्णा मेनन। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान। और गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई प्रिया सेठ के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है शिवकुमार वी पनीकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रघु दीक्षित के द्वारा और अमाल मलिक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वह टी सीरीज और अबूदंतिया एंटरटेनमेंट और बांद्रा वेस्ट पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 6 अक्टूबर 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 133 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 14.7 करोड़ का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 10.6 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुगल लगा ले। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तेरे मेरे। जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बंजारा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है टन टन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है खोया खोया। और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है दरमिया। और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 7 सॉन्ग्स हैं और सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं मूवी के। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें क्योंकि इस एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग जरूर सुने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही रेटिंग है, मीडियम से ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई थी उसका पता नहीं, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइस आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइस आपको खाने के बारे में और मतलब काफ़ी जानकारी मिलेगी इस मूवी से। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैफ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है। और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राजा कृष्णा मेनन। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है रितेश साह के द्वारा और सुरेश नैयर के द्वारा और राजा कृष्णा मेनन के द्वारा। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन फेवरू के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है सैफ पर और दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा और जनानी रविचंद्रन और राजा कृष्णा मेनन। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान। और गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई प्रिया सेठ के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है शिवकुमार वी पनीकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रघु दीक्षित के द्वारा और अमाल मलिक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वह टी सीरीज और अबूदंतिया एंटरटेनमेंट
और बांद्रा वेस्ट पिक्चर्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 6 अक्टूबर 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 133 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो 14.7 करोड़ का और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 10.6 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुगल लगा ले और गाइज इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तेरे मेरे, इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बंजारा और गाइज इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है टन टन और गाइज इस मूवी के अंदर पाँचवा सॉन्ग है वो है खोया खोया और गाइज इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है दरमिया और गाइज इस मूवी के अंदर सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 7 सॉन्ग्स हैं और सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं मूवी के। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें क्योंकि इस एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग जरूर सुने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग जो कि गाइज मतलब काफ़ी सही रेटिंग है, मीडियम से ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई थी उसका पता नहीं, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइज आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के और गाइज आपको खाने के बारे में और मतलब काफ़ी जानकारी मिलेगी इस मूवी से। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 100 व्यूज में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैफ मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप या पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राजा कृष्णा मेनन और गाइज इस मूवी को लिखा गया है रितेश साहा के द्वारा और सुरेश नैयर के द्वारा और राजा कृष्णा मेनन के द्वारा और गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन फेवरू के द्वारा और गाइज ये मूवी बेस्ड है सैफ पर और दी गई है जॉन फेवरू के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा और जनानी रविचंद्रन और राजा कृष्णा मेनन और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई प्रिया सेठ के द्वारा और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है शिवकुमार वी पनीकर के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रघु दीक्षित के द्वारा और अमाल मलिक के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और अबूदंतिया एंटरटेनमेंट और बांद्रा वेस्ट पिक्चर्स और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 6 अक्टूबर 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 133 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो 14.7 करोड़ का और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 10.6 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुगल लगा ले और गाइज इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तेरे मेरे, इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बंजारा और गाइज इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है टन टन और गाइज इस मूवी के अंदर पाँचवा सॉन्ग है वो है खोया खोया और गाइज इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है दरमिया और गाइज इस मूवी के अंदर सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 7 सॉन्ग्स हैं और सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं मूवी के। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें क्योंकि इस एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मूवी के सॉन्ग जरूर सुने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग जो कि गाइज मतलब काफ़ी सही रेटिंग है, मीडियम से ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है
और मतलब काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई थी उसका पता नहीं, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को, वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइस आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइस आपको खाने के बारे में और मतलब काफ़ी जानकारी मिलेगी इस मूवी से। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनें और सॉन्ग्स का आनंद लें, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, एक दो सॉन्ग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।